हरियाणा के जिला पानीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेलवे मेडिकल ऑफिसर को 5 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहित कुंडू के रूप में हुई है। उसने मरीज को रेफर करने की एवज में 15 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग को मिली थी। टीम ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की जा चुकी है। एंटी करप्शन इंस्पेक्टर सुमित कुमार ने बताया कि आरोपी डॉक्टर 2017 से पानीपत रेलवे में बतौर मेडिकल ऑफिसर नियुक्त है। उसके पास एक निजी अस्पताल का जीएम रेलवे के मरीजों को उसके पैनल के अस्पताल में रेफर करने की रिक्वेस्ट लेकर आया था। साथ ही डॉक्टर रोहित ने हैवी अमाउंट के बिल भी पास करने की बात की थी। इस एवज में उसने 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिसके बाद डॉक्टर रोहित को रंगे हाथों एंटी करप्शन विभाग की टीम ने काबू कर लिया है। विभाग ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं एंटी करप्शन इंस्पेक्टर सुमित कुमार ने और कुछ क्या कहा। हमारे पास एक कंप्लेनेंट आए, जिनका हॉस्पिटल का प्रोफेशन, तो उन्होंने हमें कंप्लेंट दी, लिखित में कंप्लेंट दी हमें कि ऐसे ऐसे हमारा जो इम्पैनल है रेलवे के साथ हमारे हॉस्पिटल का, और जो डॉक्टर यहाँ रेलवे की तरफ से जो डॉक्टर डेप्यूट हैं डॉक्टर रोहित कुंडू, वो उनके बिल्स वगैरह क्लियर करवाने के लिए और पेशेंट को रेफर करने के लिए इनके हॉस्पिटल में, वो उसके एवज में उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो लगभग उन्होंने 15 लाख के करीब डिमांड की थी, जो आज सेटलमेंट 5 लाख में हुई थी, और जो हमने इनको रेड हैंडेड 5 लाख लेते हुए गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार है सर, कैसे टीम गई और कैसे क्या कर रहे हैं? ये हमने इंडिपेंडेंट विटनेस को लिया साथ में, हमारे जो SDO साहब हैं वो इंडिपेंडेंट विटनेस थे इसमें, और शेडो विटनेस को साथ में लिया। रेडिंग पार्टी तैयार की गई, और उसके बाद हनु स्वीट्स है जो ऑन हाईवे है, हनु स्वीट्स के पास GT रोड पे ही गाड़ी में इन्होंने पैसे का लेन देन किया, जो शेडो विटनेस ने वहाँ पे मौके पे देखा भी सुना भी, और रेडिंग पार्टी भी तैयार थी, ट्रैप लगाया हुआ था। जैसे ही इन्होंने पैसे लिए उसी टाइम रेड करके इनको रेड हैंडेड किया गया। कौन सी बीमारी का इलाज सर ये करवाना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बीमारी थी कि रेफर करने के नाम से 15 लाख? ये MBBS डॉक्टर हैं, और जो नॉर्दर्न रेलवे की यूनिट है पानीपत के अंदर उसमें डेप्यूट है एज ए DMO मेडिकल ऑफिसर, और इनके पास जो भी रेलवे के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स या भाई कोई एम्प्लॉई है वो इनके पेशेंट जो हैं पैनल में हॉस्पिटल हैं इनके, उस पैनल में रेफर करने के लिए जो कंप्लेनेंट है उनका हॉस्पिटल भी रेलवे के साथ पैनल में है, और वहाँ पे रेफर करने की है उसमें इनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कब से ये यहाँ पर तैनात सर? ये 2017 से इनकी पोस्टिंग यहीं पे है पानीपत यूनिट के अंदर। डॉक्टर रोहित कुंडू। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।